नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आज के इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि भगवान विष्णु को राम अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा। हालांकि धरती पर जब जब पाप बढ़ते हैं तो भगवान जन्म लेते हैं पाप का सर्वनाश करने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि भगवान विष्णु को राम बनकर धरती पर आना पड़ा। चलिए आज हम आपको इस जानकारी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारत में वैसे तो हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ था, और इसी कारण इस पर्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम श्री हरि भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेकों कहानियां मौजूद हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी तीन देवों का वास है। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, और भगवान शिव संगरहारक हैं। इन्हें तीन देवों की बुनियाद पर सृष्टि कायम है। आज हम इस वीडियो में यही आपको बताएंगे कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम का अवतार आखिर क्यों लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें तीन जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीन जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार तीन जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसके बाद पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, और भगवान विष्णु ने नराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया, और श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। मनु और शात रूपा को दिया था एक बार वरदान। जी हाँ, वहीं दूसरी कथा के अनुसार मनु और शतरूपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शत्रुपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु और शत्रुपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्री हरि ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसीलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे, और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होंगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लिया। वहीं एक तीसरी कथा ये भी पौराणिक कथा में शामिल है कि भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे, और उन्होंने इसे पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है।
शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझसे बताई उसे हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहा मानने वाले और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने की एक उपाय सोचे। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वो मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी ये देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस बैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। दोस्तों, ये कुछ पौराणिक कथा जो है इस संदर्भ में प्रचलित है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।